नमस्कार, शाही ट्रीट्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कैरी से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। इसका नाम है कैरी का छुंदा या कच्चे आम का छुंदा। इसके लिए मैंने तीन कैरियाँ ली हुई है, छोटी छोटी कैरी है इसलिए मैंने तीन ले ली। आप चाहो तो एक या दो भी कर सकते हो। और हमने यहाँ पे हाफ कप शक्कर ली हुई है और यहाँ पर 1/4 कप हमने गुड़ लिया हुआ है। नमक हम स्वादानुसार डालेंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है और 1 टीस्पून हमने जीरा लिया हुआ है। सबसे पहले हम ये जो कैरियाँ हैं इनका जो ऊपर का छिलका है वो निकाल लेते हैं। कैरियों का छिलका हमने निकाल लिया। अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं, खीस लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कैरी को हमने ग्रेट कर लिया, खीस लिया है। पैन को हमने गैस पे चढ़ा दिया है और पैन गर्म हो चुका है। हम हमारी जो कैरी का खीस था, जो ग्रेटेड कैरी थी हमारी, वो हम इसमें डाल देते हैं। हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। 1/2 कप हमने शक्कर ली थी वो हम इसमें डालेंगे और 1/4 कप हमने गुड़ लिया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैरी में शक्कर डलते ही काफ़ी सारा पानी छूटता है उसको, तो इसमें कुछ पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना पानी छूटा है कैरी को। और जो गुड़ है वो भी हमने इसमें अच्छे से बारीक कर लिया। हमने अच्छे से गुड़ को भी मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली थी वो हम इसमें डाल देते हैं। हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। आप चाहो तो इसमें गरम मसाले का भी यूज कर सकते हो, मैं नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा डाल सकते हो, 1/2 टीस्पून। और हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम हमारे स्वाद के अनुसार डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमको हिलाते रहना है एक जैसा, जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता है। थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप रहता ही है, तब तक हमको इसको हिलाते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा छुंदा तैयार है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा एकदम गाढ़ा भी नहीं है। हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मुँह में पानी लाने वाला हमारा ये छुंदा बिल्कुल तैयार है और बहुत ही अच्छा छुंदा बनके हमारा तैयार हुआ है। ये 7-8 दिन तक तो आराम से फ्रिज में रह सकता है। फ्रेंड्स, आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।